हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम महाराष्ट्र फेमस पूरन पोली बनाएंगे। बहुत ही मतलब महाराष्ट्र की ये फेमस डिश है, बहुत बेहतरीन और टेस्टी बनके ये तैयार होती है। कई तरीकों से ये बनाई जाती है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये गुड़ ले लिया, हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं गुड़ में। देखिए, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, गुड़ अच्छे से गल जाएगा। इसको हम छान लेंगे, छान के हम डालेंगे। देखिए, हमने ये जो दाल ले रखी है इसको साइड में डालते हैं। देखिए, हमने दाल को भिगो दिया है 2 घंटे के लिए, अच्छे से फूल गया। देखिए, हमने इसका पानी अच्छे से साफ कर लिया है। अब हमने ले लिया है मिक्सर जार। अब इसको हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। बहुत ही बेहतरीन पूरन पोली जो है, बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती है। महाराष्ट्र की फेमस डिश है, दिवाली पे बनाई जाती है, आज हम होली पे बनाएंगे। देखिए, ये जो दालें हमने डाल दिए, अब इसे हमें अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। ये चने की दाल थी, हमने ये 2 घंटा पहले हमने इसे भिगो लिया था। देखिए, बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। हमने गुड़ को छान के डालना है इसमें। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, गुड़ को हम इसमें छान लेते हैं। देखिए, अब हम जो गुड़ का जो पानी है उसे हम छान लेते हैं। थोड़ा सा ही छानेंगे कि जितने में हम इसे पीस के तैयार कर सके। ज्यादा अगर हम डाल देंगे तो ये फिर दिक्कत होगी, अच्छे से दाल जो है पीस नहीं पाएगी। देखिए, अब ये जो गुड़ है थोड़ा सा और पानी डाल के हम छोड़ देंगे, मोटा हो जाता है तो ये गलता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा गुड़ में और पानी डाल देना। बहुत ही स्वादिष्ट बन के पूरन पोली जो है तैयार होती है इस तरीके से। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने ये चना दाल जो हमने भिगोई थी, अब इसको हमने अच्छे से ये उबाल लिया, ये तैयार हो चुकी है। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे पीस के। देखिए, हमने पीस के जो है तैयार कर लिया है। अब इसे हम पैन में निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम ये रस्सी में से ही डाल के अच्छे से हम हिला के इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, हमने रसा जो था पूरा, हमने टोटल ये गुड़ का हमने तैयार करके इसमें डाल लिया। अब देखिए, अब इसमें हम डालेंगे आटा डाल के, इसका हम घोल तैयार करेंगे। देखिए, हमने घोल को जो है तैयार कर लिया है अच्छे से फेंट के। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है कि हम डालेंगे तो ये फैलेगा। इससे ज्यादा हमें इसे पतला बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत अच्छे से हमने इसे फेंट के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये जब हम डालेंगे तुरंत डालते ही फैलने लगेगा, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अब इसमें पैन में जो है हम तेल लगा देते हैं, अच्छे से हमें तेल को लगा देना है। पैन जो है गर्म हो चुका है, हमने पहले से इसे रख दिया था गर्म होने के लिए, बहुत अच्छे से तेल जो है लग गया। अब घी या तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जो घोल तैयार किया है, अब इस घोल में से हम इसमें डाल देंगे। देखिए, हमें इस घोल में से इसमें डाल देना है। बहुत ही टेस्टी ये जो है पूरन पोली जो है बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी। देखिए, इस तरीके से ये देखिए अपने आप फैल गई है, गोल गोल सा, बिल्कुल मतलब इसे करना नहीं पड़ा है, कितना गोल हुआ है आप खुद देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन और टेस्टी ये बनके तैयार होती है। महाराष्ट्र की ये डिश है पूरन पोली। देखिए, दिवाली पे बना, इसको दिवाली पे भी हम लोग ज़्यादातर बनाया जाता है, तो हमने सोचा लाओ अब हम होली पे भी बना देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होती है। देखिए, एक साइड से अच्छी सी ये मतलब थोड़ा बहुत सीख जाएगी, उसके बाद से हम दूसरे साइड इसे पलाटेंगे। देखिए, एक साइड जो है सीखना स्टार्ट हो गया है। अब अच्छे से जब दूसरे मतलब एक साइड सीख जाएगी फिर दूसरे साइड हम पलाटेंगे, उसे उलाटते और पलाटते हमें इसे तैयार करना है। देखिए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ये मतलब पलाटने के लायक मतलब हुआ है कि नहीं। अभी ये थोड़ा नरम है, देखिए ये चिपक रहा है, अभी अच्छे से नहीं हुआ है। थोड़ा सा पॉइंट हम बढ़ा देते हैं चूल्हे को कि ये नीचे के साइड से अच्छे से थोड़ा सा सीख जाएगी, उसके बाद से हम पलाटेंगे, क्योंकि अभी ये ऊपर के तरफ बहुत ही नरम है ये। देखिए, ऐसे हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, इसे हम पलाट पाएंगे कि नहीं, नहीं तो उसके अनुसार हम इसे पलाट लेंगे। देखिए, अभी ये बहुत नरम है, थोड़ा सा और सीख जाएगा, उसके बाद से इसे हम पलाटेंगे। देखिए, अब इसे हम धीरे धीरे इस चम्मच डाल के अब इसे उठा के हम पलाट देते हैं। देखिए, अभी बहुत ये नरम है, देखिए बहुत अच्छे से ये पलट गया।
अब ऐसे ही नीचे साइड भी हम अच्छे से इसे सेक के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये। किनारों से हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर देंगे कि तेल मतलब ये साइड में जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बनके ये तैयार होता है। देखिए ये बहुत अच्छे से ये बबल्स उठने लगे हैं इसमें। नीचे की साइड जब अच्छे से सीख जाएगा ये। हमें ज्यादा चूल्हे को तेज पे करके इसे नहीं बनाना रहता है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है इस तरीके से, बिना आटा गूंथे आप बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए अब इसे हम इस साइड पलट देते हैं। हम बार बार इसे उलटते और पलटते अच्छे से हम इसे सेक के तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होती है। देखिए देख सकते हैं आप, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। ये पूरन पोली जो है आप मैदे से भी बना सकते हैं। देखिए हमने गेहूं के आटे से यूज किया, हमने इसे बनाया। देखिए इस तरीके से करते हैं, हम उलटते पलटते इसे सेक के तैयार कर लेंगे। देखिए ये तैयार हो गई है, इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। फिर अब हम दोबारा डाल देंगे इसमें हम जो तेल को ग्रीस करके जैसे हमने पहली बार डाला वैसे ही हम दोबारा डाल देते हैं। हम आपको फिर से दोबारा हम दिखा देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हम इसको देखिए ये अपने आप फैलने लगा है। इसे हमें कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से ये फैल रहा है। पहली बार जैसे हमने बनाया इसे भी हम उलटते पलटते इसे तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारा बना के तैयार कर लिया। पूरन पोली जो है बनके तैयार हो गया। हमने एक कटोरी आटे से पूरे परिवार के लिए ये बना के हमने तैयार कर लिया। बहुत बेहतरीन और ये टेस्टी बनके तैयार हुआ है। देखिए पूरन पोली हमने पूरे परिवार के लिए हमने बना के ये तैयार कर दिया। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।